उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। मेरे दीपक की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी जिंदगी ले ले। मल्लिका जी ने अपने बेटे की रिहाई की खुशी में एक पार्टी रखी। मैं सोच रहा था कि कृष्णा को भी वापस लेकर आ जाऊँ। पापा की तबीयत अब थोड़ी ठीक होने लगी है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ससुराल चले जाएं। भाई साहब को देखने एक बार फिर से हॉस्पिटल चलना चाहिए। भाई साहब की तो इतनी फिक्र है आपको, कभी बेटे की तरक्की देख के भी खुश हो लिया कीजिए। आपके पापा का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था ना जिस दिन वो अदालत में गवाही देने जा रहे थे। जी इंस्पेक्टर साहब। देखिए आपसे मिलने कौन आया है। भाई ये सब क्या हो गया? भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, सब संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं हूं। पापा माना कि आप हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन हिम्मत मत हारना पापा, भरोसा रखना अपने आप पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि पापा को आराम की जरूरत है और तुम्हारे यहाँ रहने से उन्हें स्ट्रेस हो जाएगा। एक काम करो तुम आओ प्लीज बार बार। मैं हूं, मैं बैठता हूं पापा के पास, तुम आओ, फिक्र मत कर।
ससुर जी बहुत अच्छा हुआ कि आपकी बोलती बंद हो गई। न जाने आप कृष्णा को क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, और फिर से मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करते हैं। पापा बहुत शौक था ना सच्चाई का साथ देने का। पड़े रहिए जिंदगी भर अपनी सच्चाई के सपने के साथ। सुकन्या हमारी बेटियां तुम ये मत कहना कि तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी दुकान उस जगह के ठीक सामने है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए अच्छे से याद करके बताओ कि तुमने क्या देखा है। सर, मैं कुछ नहीं देखा सर, कुछ भी नहीं सर। झूठ बोल रहा तुम। तुम्हारी दुकान के सामने इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं देखा। एक टेम्पो वाले ने एक बाइक वाले को कुचल दिया और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं देखा। देखो, कानून सबकी मदद के लिए होता है। कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक से याद करके बताओ, क्या तुमने उस टेम्पो वाले का चेहरा देखा है या उस टेम्पो का नंबर नोट किया है? कुछ नहीं सब, कुछ भी नहीं देखा। तुम ये मत कहना कि तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर हमें यह पता चला है कि वो टेम्पो तुम्हारी दुकान के ठीक सामने कुछ पल के लिए जरूर रुका था। बोलो तुमने क्या देखा। जाओ। हाँ हाँ साहब, वो टेम्पो एक्सीडेंट करने के बाद उधर ही से गुजरा था मेरी दुकान के पास आकर उस टेम्पो वाले ने टेम्पो की स्पीड कम भी की थी और मैं तुरंत चिल्लाया था पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो तुरंत भाग गया साहब। मैं अकेला पड़ गया, वरना उसको क्या, उसको पकड़ लेता साहब। अब बताओ गाड़ी का नंबर क्या था। गाड़ी का नंबर ठीक से याद करके बताओ, क्योंकि तुम्हारी दी हुई इंफॉर्मेशन किसी के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। गाड़ी का नंबर था
UP 79 2402। हाँ साहब, यही नंबर था 2402। जब यकीन के साथ कह सकते हो कि यही नंबर था? हाँ साहब 2402, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, पक्का कहता हूँ साहब, यही नंबर था, क्योंकि हमारे घर के टेलीफोन का आखिरी 4 नंबर भी यही है। पर साहब वो 79 था या 89, ये इसमें थोड़ा शक है। सेवेंटी नाइन या एटी नाइन की गुत्थी तो हम सुलझा ही लेंगे। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मेरे पापा की? आपके पापा की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। उनकी विल पावर बहुत अच्छी है और उनके अंदर ठीक होने की चाहत बहुत जबरदस्त है और दवाओं का असर भी काफी अच्छा हो रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि आज हम उनकी बैंडेज करेंगे और मुझे लगता है कि शायद आज आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। सच कह रहे हैं आप? हम पापा को घर लेके जा सकते हैं? जी जरूर। और हाँ, हफ्ते में एक बार उनको आपको रूटीन चेकअप के लिए लाना होगा और दवाइयों का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना होगा। जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे और उनका रूटीन चेकअप भी करवाते रहेंगे। तो ठीक है, तब तक आप रिसेप्शन पे जाकर बिल पता कर लीजिए और जो हो उसे पे कर दीजिए। वैसे कितना बिल होगा अभी? कुछ ज्यादा नहीं, 55-60 हजार रुपए के लगभग होगा और सही अमाउंट आपको रिसेप्शन पर ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, सुकन्या हमारी बेटियां। हाँ त्रिष्णा, बोलो। सॉरी अपूर्व, इस समय ऑफिस के टाइम पर हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको कॉल किया हमने। कोई बात नहीं त्रिष्णा, क्या बात है? वो क्या है ना कि आज पापा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम उनको थोड़ी देर के बाद घर लेके जाने वाले हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपूर्व, वो हम सोच रहे थे कि अगर आप भी आज हॉस्पिटल आ सकते तो। अरे त्रिष्णा, त्रिष्णा मैं एक क्लाइंट के साथ बहुत ही जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता। कोई बात नहीं अपूर्व, हमने सोचा कि हम आपको बता देते हैं, बस इसीलिए फोन किया था। अरे त्रिष्णा, बहुत अच्छा किया तुम। देखो तुम परेशान मत हो ना, मैं शाम को डैडी से मिल लूँ। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि जब से आपकी प्रमोशन हुई है आप काम में ही बिजी रहते हैं, पता नहीं टाइम पे खाना भी खाते हैं या नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर वैसे भी आप पापा की वजह से कितना। त्रिष्णा, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम्हें सब कुछ दे सकूँ। चलो त्रिष्णा, मैं रखता हूँ, मैं बिजी हूँ। ओके प्या, ठीक है। आज शाम तक पूरी रिपोर्ट मुझे मिल जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो याद रखना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, हमें आने में देर तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। वैसे एक खुशखबरी है। क्या सर? हमें उस गाड़ी का नंबर मिल गया है जिस गाड़ी से आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ था।
और वो ड्राइवर? गाड़ी का नंबर मिल गया है, अब वो ड्राइवर ज्यादा दिनों तक बच के नहीं रह सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, बस एक बार उस ड्राइवर का पता चल जाए फिर ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि मेरे पापा के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। हाँ, इस केस का एक भी सुराग नहीं छोड़ूंगा और सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि वाकई ये साजिश है या कोई हादसा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हमें आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू। मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा आकांक्षा। अगर वाकई ये कोई साजिश है तो असली गुनहगार को बेनकाब करके कानून के कटघरे में खड़ा कर कर ही दम लूंगा। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या ये हो गया 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5 लाख, 5 लाख और 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख ये हो गया। और ये छोटा है, 7 लाख है इसका, कितना ही है 7 लाख, 8। हे भगवान, सारा दिन घर का काम 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 काम, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होती। हे राम जी, इतने सारे पैसे, पैसे कहाँ है पैसे? अभी 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 तो आप गिन रहे थे ना। सुनिए जी, हम कभी इकट्ठे इतने सारे पैसे देखे नहीं ना, दिखाइए ना। कोई पैसा वैसा नहीं है, तुम जाओ जाओ जाओ, हमारे हमारे तुम हलवा बना के लाओ जाओ। अरे लेकिन अभी अभी तो आपके हाथ में था। सुनिए जी, कहाँ से लाए इतने सारे इकट्ठे पैसे? कहीं आपने बैंकों में डाका तो नहीं डाला ना? हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, फिर से इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चुप चुप चुप, जब भी मुंह खोलना अब सगुन बोलना। हे भोलेनाथ, तुमने कौन से पाप किए थे जो ऐसी बीवी हमारे गले में बांध दी? अच्छा, ऐसी बीवी मिली है तभी तो नोट पर नोट गिने जा रहे, वरना दूसरी कोई होती ना तो सारे पैसे खुद पे ही उड़ा देती, और आप टुकर टुकर मुंह देखते रहते, कुछ बोल भी नहीं पाते। हाँ, अब बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे गहने बनाने के लिए पैसे चाहिए। हाँ, पैसे चाहिए, गहने बनवाने हैं? अरे पैसे क्या पेड़ पर लगते है का? पैसे कमाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। हाँ, एक बात बताओ, तुम गहने का करोगी का? हम है ना तुम्हारा गहना? ज्यादा चू चपड़ मत करो, चुपचाप घर में पड़ी रहो बस। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मारेंगे? मारिए, अब भी हम बहना को बुला के लाते हैं और सारी बात बताते हैं, अब वही फैसला करेंगी कि हमें पैसे मिलने चाहिए। अरे भगवान, सुनो तो सही, जा कर रहे हो, तुम जीती हमारे पास। लेकिन भगवान, भोले शंकर की कसम, सच कह रहे हैं हम कि पैसा हमारा नहीं है, बहना का है। हम तुमको पैसा दे तो देंगे, लेकिन बहना को मालूम पड़ गया कि हम तुमको पैसा दिए हैं, तुम पर कितना नाराज होगी, समझ सकती हो ना? बाद में नहीं कहना हमको कि हमने तुमको चेताया नहीं था। अच्छा, बहना आपको पैसा देंगी, मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। एक चोर से कहेंगी कि उसके खजाने की रखवाली करो, अरे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए और कैसे आए, अब खुद ही अपने से दे दो ये पैसे, नहीं तो हम बहना से ही। ए भोलेनाथ, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए, अब इतनी मेहरबानी करना कि अपनी जुबान बंद रखना, बाहर जाकर कुछ बक मत देना। दे रहे हैं पैसे, क्या करें यार, ये लो।
भला अब हम कैसे बोलेंगे? आपने तो मेरा मुंह ही बंद कर दिया है। आकांक्षा, अब आप प्रोफेसर साहब को घर ले जा सकती हैं। अभी ये मुकम्मल तौर पर ठीक तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को इनका बहुत ख्याल रखना होगा, इनके खाने का, इनकी नींद का और खास तौर पर इनकी दवाइयों का। जी। इनका खाना, नींद और खास तौर पर इनकी दवाइयाँ टाइम पर देनी होंगी और हफ्ते में एक बार रूटीन चेकअप के लिए जरूर आना होगा। जी। और बाकी तो आप लोग समझते हैं, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। आकांक्षा, आप लोग इन्हें बाहर लेकर आइए, मैं टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। जी भाई। मैं इन्हें घर लेके जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने आपकी जल्दी छुट्टी कर दी। आपके बिना तो घर बहुत सुना सुना लग रहा था। चलिए, घर में माँ जी आपका इंतजार कर रही है। माँ, आपको इसी तरह हिम्मत से काम लेना होगा और पापा का सहारा बनना होगा। फिर देखिएगा पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलिए घर चल। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या सुकन्या।